हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स एनसीईआरटी आरबीएससी के चैप्टर ब्यूटी, जो कि एक पोयम है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ब्यूटी? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़ और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन यू थिंक आर ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स रीड ए पोयम ऑन ब्यूटी। चलिए ब्यूटी के बारे में अपनी पोयम है उसको देखते हैं। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। ब्यूटी जो होता है वो सनलाइट में देखा जा सकता है। द ट्रीज, द बर्ड्स कॉन्ग्रीपिंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग और देयर हार्वेस्ट। और जो ब्यूटी है वो ट्रीज में दिखाई देती है, पेड़ों पे दिखाई देती है, पक्षियों में दिखाई देती है, और जो मक्की जो कॉर्न होता है, जो मक्का होता है, मक्कों की फसलों पे दिखाई देता है। और जो पीपल जो काम करते हैं, डांस करते हैं, अपने हलों को चलाते हुए हार्वेस्टिंग जब वो करते हैं, तो उसमें भी हमें ब्यूटी दिखाई देती है। ब्यूटी इज हियर इन द नाइट, वाइन साइन रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। ब्यूटी को हम सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं? नाइट में सुन सकते हैं, जब जो हवा की जो सरसराहट होती है और जो रेनफॉल होती है, और जब कोई सिंगर चैंटिंग करता है, मतलब कई तरीके से हम ब्यूटी को देख सकते हैं। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। ब्यूटी अपने आप में ही होती है। गॉड इट्स हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। ब्यूटी जो होती है वो अपने आप में ही होती है। जब हम अच्छे काम करते हैं, हमारे अंदर जो अच्छे विचार होते हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं हमारे सपनों में, हमारे कामों में, और यहाँ तक कि जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें। और इस चैप्टर के राइटर हैं ईए श्रेन।